हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं। हिसार में व्यापारियों से जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार ने बातचीत की। सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं व्यापारी, आइए जानते हैं। हरियाणा में चल रही बीजेपी जेजेपी गठबंधन वाली सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर हर वर्ग में कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, क्या कुछ व्यापारी वर्ग सोचता है, इन बातों पर चर्चा करने के लिए हम हिसार के ग्रीन स्क्वायर मार्केट में मौजूद हैं। सर आप बताइए, क्या कुछ उम्मीद है आपको कि क्या कुछ सरकार इस बजट में करे? सबसे पहले तो दुकानदारों का बिजनेस सारा खत्म हो गया है ड्यू टू ऑनलाइन। सबसे पहले तो सरकार को ऑनलाइन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऑनलाइन को बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए या कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि टोटली बिजनेस दुकानदारों का ऑनलाइन चला गया है। हम जीरो है, आज हम रोड पर बैठे हैं, हमारा बिल्कुल भी काम नहीं है। क्या बताइए, आप क्या सोचते हैं क्या कुछ होना चाहिए? इन्होंने जो बात कही है बिल्कुल 100% सही बात कही है। ऑनलाइन से हर एक ट्रेड, हर एक बिजनेसमैन परेशान है और सरकार को चाहिए, नहीं तो व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी खत्म हो जाएगा। और व्यापार के साथ साथ खाली व्यापारी नहीं है, उसके साथ उसका एम्प्लॉय भी है, सब लोग इफेक्ट होते हैं। और सरकार को चाहिए व्यापारी के लिए भी कुछ सोचे। ठीक है, किसान, हरियाणा किसान प्रधान देश है, लेकिन किसानों के लिए सारी चीज होती है, सारी चीजें हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो व्यापारी चाहते हैं, जिन पर फोकस किया जाए? देखो, व्यापारी के लिए एक तो जो एज व्यापारी होता है वो ताउम्र काम करता है, उसका कोई रिटायरमेंट पीरियड नहीं होता, तो 60 के बाद उसका पेंशन सिस्टम हो। व्यापार के लिए जैसे बीमा है, बीमा इनका रिबेट में मिलना चाहिए, और बिजली का जैसे सोलर पावर वगैरह लगना है उसको रिबेट मिलनी चाहिए कि भाई व्यापारी के लिए रिबेट है, और वैट कम किया जाना चाहिए डीजल वगैरह पे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। टोल हम लोग पे करते हैं, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है उस पर कुछ टैक्स कम हो सकता है, वो कम करना चाहिए, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा जनता में, और एक सुधार भी नजर आएगा कि भी कुछ सुधार हुआ है। देख सकते हैं किस तरह का माहौल जो है वो हिसार के व्यापारियों में नजर आ रहा है। बहरहाल मनोहर सरकार का जब ये पिटारा खुलेगा उसमें क्या कुछ निकलेगा ये तो तभी पता लगेगा, लेकिन उम्मीदें यही है कि कुछ ना कुछ ऐसे पैकेजेस जो है व्यापारियों के लिए होने चाहिए, जिनसे व्यापारियों को ना सिर्फ बढ़ावा मिल सके, साथ ही साथ जो इनकी समस्याएं हैं उनका भी कुछ ना कुछ निजात हो सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।